गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंचा सिंह संत महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, स्वामी चक्रानंद जी महाराज और मंचा सिंह सभी संत वृंद, सभी विभूतियां, सभी दिव्य आत्माएं और यहाँ सामने उपस्थित सभी धर्म गुरु जनता के चरणों में अपना प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आज मैं शुरुआत अपने कथन की इस बात से करता हूँ कि जो आज भारतीय गणराज्य जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है उसके जो प्रधानमंत्री हैं उनका जन्म दिवस है, लेकिन उसी प्रधानमंत्री के गुरु आज कारावास में हैं, इससे बड़ी विडंबना कोई हो नहीं सकती। और जो भी कुछ चलता है कि मीडिया बहुत बड़ा कैमरा, बहुत बड़ा हथियार है। ये कैमरा जब किसी को बार बार बोलना शुरू करता है कि ये गलत है, आरोपी है, तो इससे पहले कि कोर्ट किसी को सजा सुनाए, ये मीडिया जनता की नजरों में उसको ऐसा दोषी सिद्ध कर देता है, इस तरीके का सिद्ध कर देता है कि मान लीजिए वो ऑफिस सहित या सबसे बड़े जो आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं उससे बड़े आतंकवादी तो हमारे जो देश के साधु और संत हो गए। मित्रों, बड़ी विडंबना है, आज गौ रक्षा करने वाले लोगों को सिर्फ एक इस बात के लिए तुष्टिकरण की राजनीति के लिए गुंडा कह दिया गया, लेकिन जब मैंने प्रधानमंत्री कार्यालय से 6 महीने लगातार संपर्क करता रहा, पूछता रहा आरटीआई के माध्यम से, बताइए आपके पास ऐसा कौन सा डाटा है कि जिससे 80% गौ रक्षकों को आपने कह दिया कि वो गुंडे हैं, तो प्रधानमंत्री कार्यालय ने जवाब दिया, हमारे पास ऐसा कोई डाटा नहीं है कि जिसके बिहाव पर यह कहा जाए कि गौ रक्षक गुंडे हैं। गुंडे वो है जो गौ माता को सताते हैं, गुंडे वो है जो कुर्बानी के नाम पे गौ माता की क्रोकसी करते हैं, गुंडे वो हैं जो गौ माता का इलीगल स्मगलिंग करते हैं, गुंडे वो हैं जो इन सब को आंखों से देखते हुए भी मौन धारण कर लेते हैं, गुंडे वो हैं। गौ सेवा करने वाला कभी गुंडा नहीं हो सकता। और जिस तरीके की आज परंपरा चल पड़ी है कि साधु और संतों के बारे में जो भी धर्म की बात करता, अगर आपको अपने आप को सेक्युलर कहलाना है तो उसके लिए आपको हिंदुओं को गाली देना अनिवार्य हो गया, ऐसी प्रथा आज की तारीख में चल पड़ी है। सवाल इस बात का है कि क्या मात्र साधु और संतों को पे इस तरीके के आरोप लगा देने से इस देश की व्यवस्था सुधर जाए? देश के प्रधान न्यायाधीश, देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जिस कुर्सी पर बैठते हैं उसके ऊपर एक तख्ती लगी हुई है जिसपे लिखा हुआ है यतो धर्मस्ततो जया, यानी कि धर्म है तभी ये राष्ट्र है, धर्म है तभी ये देश है, धर्म है वही हमारी मेन पहचान है। लेकिन जब उस धर्म के जो हमारे धर्म के प्रतिनिधि कौन है, हमारे धर्म के प्रतिनिधि, हमारे धर्म के जो चेहरा है वो है हमारे साधु, हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे मुनि। और जिस तरीके से इन लोगों की छवि आज की तारीख में मीडिया में इस प्रकार से बनाई जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की, विभाजित करने की, धर्मांतरण करने की एक सुनियोजित साजिश लगती है। आज गंगा की बात कर लीजिए, सुश्री उमा भारती जी ने एक कथन कहा था, अगर गंगा की सफाई नहीं हुई तो मैं इसी गंगा में कूद के प्राण दे दूंगी। अब तो गंगा मंत्रालय उनसे थनकिया प्राण देंगी क्या? जिस गंगा के संकल्प को लेकर आई थी, संत समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, उन्होंने कहा था जैसे भागीरथ गंगा लाए थे, और आज वही गंगा का मंत्रालय उनसे ले लिया गया। 3 साल में गंगा की सफाई के नाम पर एक लेज मात्र भी कोई प्रगति नहीं हुई। गंगा और दिन प्रतिदिन मैली होती जा रही है, मलिन होती जा रही है और लुप्त होती जा रही है। दूसरा, अभी अखाड़ा परिषद ने एक सूची जारी करी जिसके अंदर बहुत से लोगों के नाम थे। मैं कहता हूं कि हमारे यहाँ कानून की दृष्टि, कानून ये कहता है जब तक कोई दोषी सिद्ध ना हो जाए उसे निर्दोष मान के चलना चाहिए। जब तक वो दोषी सिद्ध ना हो जाए वो निर्दोष है। जब कानून उसको दोषी नहीं मानता तो अखाड़ा परिषद ने कैसे दोषी मान लिया? ये जितने आज देखे, जितने भी हिंदू धर्म से मुद्दे हैं, वो चाहे संतों के मुद्दे हो,
गाय के मुद्दे हो, राम मंदिर के मुद्दे हो, ये सारे मुद्दों को लेकर सरकार ने मौन धारण कर लिया है। सरकार के सभी प्रतिनिधि धृतराष्ट्र की भूमिका के अंदर आ चुके हैं। आज संत तो अंदर है, संत तो कारावास है, क्योंकि आरोप उनके ऊपर लगा है। जाकिर नाइक आपकी नाक के नीचे से भाग गया, जो आतंकवाद की फैक्ट्री 20 साल से देश में चला रहा है, उसको तो आप पकड़ नहीं पाए। उसके लिए तो कभी आप इंटरपोल से, कभी दूसरी संस्थाओं से कहते हो कि लाइए। आप खुद ही थे जिन्होंने आतंकवादियों को छोड़ने गए। मुझे बताइए कि संत दोषी है या जाकिर नाइक दोषी है, जो टेरर फंडिंग का एक्यूज है। आप बार बार उसको ढूंढ रहे हो, आप बार बार कह रहे हो, और वो बाहर विदेशों में बैठा हुआ आपको जो है जीव चिढ़ा रहा है भारत की अर्थव्यवस्था को। संत तो कोई नहीं भागा, जिन दिन पर भी आरोप लगे सबने अपने आरोपों का सामना किया। आपने बिना दो चरित्र करे किसी को 3 साल, किसी को 4 साल के अंदर डाल दिया। और कम से कम संविधान ये कहता है कि बेल मिलना व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है, संविधान की धारा 21 के तहत। आप उसको बेल भी नहीं देना चाहते। ये जो परंपरा चल पड़ी है, हमारे यहाँ दधीची ऋषि की भी परंपरा है, जिन्होंने इंद्र को अपनी अस्थियां दान कर दी ताकि उसका वज्र बना के दैत्यों का संहार किया जा सके। हमारे यहाँ उन ऋषियों की परंपरा है जो तपोवन से लेके बद्रीनाथ से लेके एक लंगोटी में जीवन बिता देते हैं, और एक जो है आलू भून के खाते हैं उस पर जीवन बिताते हैं। हजारों अन्य क्षेत्र चलते हैं, हजारों गुरुकुल चढ़ते हैं, गौशालाएं चलती हैं, विधवा आश्रम चलते हैं, वृद्ध आश्रम चलते हैं। ये व्यवस्था अगर संत समाज को ना देते तो ये समाज कभी बचता नहीं। ये आज अगर समाज एकजुट है, समाज बचा हुआ है, तो उसके पीछे एक ही कारण है, हम लोगों के बीच में हमारा दिशा निर्देश मार्गदर्शन करने के लिए हम भाग्यशाली हैं कि संत हमारे बीच में हैं। हमारे बीच में वो व्यवस्था नहीं है कि जहां पर अगर कोई अजन्मा बच्चा पैदा हो तो उसको चर्च में छोड़ाते थे, और उसको जो उसको जिसको कहते थे फादर, फादर जो शब्द था वो फादर शब्द निकला कैसे कि जिन बच्चों को कोई क्लेम करने वाला ना हो उनके लिए वो फादर शब्द बना था। हमारे बीच में तो हमारे यहाँ गुरु को ईश्वर की उपाधि दी गई। हमारे यहाँ तो किसी को माने ही नहीं गया कि वो जो है अनाधिकृत है या वो मान्य है या असमान्य है। हमारे यहाँ तो जो गुरु की चरण में चला जाता है गुरु सबको अपना लेता। हमारे यहाँ तो जितने भी आते हैं, जो भी श्रद्धा भाव से अपने गुरु के चरण में गया, उन संतों ने सबको अपना लिया। और आज गंगा की बात करें तो गंगा पहले से घूम रही थी। गाय की बात करें तो गाय को देख लीजिए, पहलू खान का मुद्दा मिल गया कि पता नहीं कितना बड़ा अत्याचार हो गया। केरल के अंदर हिंदुओं को घर से निकाल निकाल के चौक पे काटा जाता है। एक गाय के बछड़े की बलि देके उसका मांस वहां बना के उसका भक्षण और वितरण किया जाता है। क्या ये भारत देश है? क्या ये वही देश है जहां गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास मान के उसका पूजन किया जाता है? आज भी सबसे पहले जो हमारी नित्य कर्म है उसमें गौ के चरण का स्पर्श करना लिखा गया। मनुष्य, ये पीड़ा मात्र मेरी नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जो अपने आप को असहाय महसूस करता है। लेकिन चाहे स्वामी चक्रपाणी जी हो, हमारे संत वृंद हो, मंच में उपस्थित सभी हमारे संत महात्मा हो, लेकिन ये सभी आप ही लोगों के दिल की पीड़ा को समय समय पर मंचों पर आकर, टीवी पर आकर, अलग अलग विभिन्न स्थानों पर आपकी पीड़ा उठाते रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये कहा जाता है कि देश में 800 साल बाद हिंदुओं की सरकार आई है, कोई हिंदू राजा आया है। लेकिन हिंदू राजा के आने के बाद ना तो राम मंदिर बना, ना गाय सुरक्षित है, ना संत सुरक्षित है, ना हमारा देश सुरक्षित है। केरल में, कर्नाटका के अंदर जैसे जैसे संतों का संहार किया जाता है, जिस तरीके से झूठे आरोपों के अंदर डाल दिया जाता है, और टीवी जो इसका एक हथियार बन गया दिखाते, देखिए कितनी बड़ी गाड़ी, इतने महंगे वो, इतनी लग्जरी। अरे आप वो भी तो देखिए भैया, जो गौशालाएं चलती हैं, जो वृद्ध गांव की सेवा करी जाती है, वृद्ध लोगों की सेवा करी जाती है, अनाथ आश्रम चलते हैं, 10 लाख लोगों को निःशुल्क भोजन दिया जाता है, करोड़ों लोगों को निःशुल्क व्यवस्था दी जाती है, वो आपको दिखाई नहीं देती।
चार लोग या छह लोगों की आड़ लेके 10 लाख लोगों पर इस प्रकार से प्रहार करना, ये राष्ट्र की जो नीति है, ये सरकार की जो नीति है, इसमें गहरा और गंभीर प्रश्न खड़ा करती है कि सरकार बताए कि सरकार है किसके साथ, धर्म के साथ है या विधर्म के साथ। अभी पीछे सरकार ने घोषणा करी कि जो भी मुस्लिम संप्रदाय से कोई भी लड़की जो ग्रेजुएशन कर लेगी उसको 51,000 रुपए दिए जाएंगे। तो हिंदुओं की लड़की अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो उसका क्या अपराध हो जाता है? मैं कहता हूं कि इस देश में जो प्रधानमंत्री की कुर्सी है इस पर ही कोई शराब लगा हुआ है। जैसे ही कोई व्यक्ति इस पर बैठता है वो हिंदुओं को गाली देना, हिंदू साधु संतों को प्रताड़ित करना शुरू कर देता है। मनमोहन सिंह जी ने कहा देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में देश के पहले संसाधनों पर जो हक है वो मुसलमानों का है। तो बताइए हिंदू अपना हक लेने कौन से देश में जाएंगे भैया? तो इस तरीके से की जो ये परिपाटी चली जा रही है, मेरा निवेदन है स्वामी चक्रपाणि मंच पे उपस्थित यहाँ पर सभी संतों के चरणों में कि भारत की 125 करोड़ जनता के मर्म और पीड़ा को समझते हुए इस बात को दबने ना दे। ये एक यज्ञ प्रारंभ हुआ है जो संत महासभा ने किया है और इसके अंदर हर व्यक्ति को अपने अनुसार आहुति देनी है, चाहे वो श्रम से दे या कर्म से दे या कैसे भी दे। इस यज्ञ की अग्नि को हम बुझने नहीं देंगे। इसी बातों के साथ आपके सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि भाई आज जो भी इस मंच से शुरुआत होगी, आज जो आवाज निकली है वो बहुत दूर तक जाएगी। नमः पार्वती पते हर हर। बहुत बहुत धन्यवाद है माननीय श्रीमान अजय गौतम जी का, बड़े सुंदर विचार रखे हैं।